दोस्तों, हम में से कई लोग सिर्फ आसमान को इसलिए देखते हैं क्योंकि वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है, हमारे नेचर का एक हिस्सा है। लेकिन आप में से कुछ लोग उसे सपने सच भी कर सकते हैं, यानी कि अपने करियर का भी एक हिस्सा बना सकते हैं। क्या आप भी उनमें से एक हैं जो स्पेस में जाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ऐसे बन सकते हैं आप एक अच्छे एस्ट्रोनॉट। पूरा करें एस्ट्रोनॉट बनने का सपना। एस्ट्रोनॉट ग्रीक भाषा में बना एक ऐसा शब्द है जिसका अंग्रेजी में मतलब स्टार सेलर होता है, वो जो सितारों में अपना जहाज ले जाए। ये करियर सुनने में जितना रोमांचक और सपनों जैसा लगता है, असल जिंदगी में उतनी ही मेहनत और डेडिकेशन मांगता है। कैसी लगती है हमारी धरती स्पेस से, इसका जवाब सिर्फ एस्ट्रोनॉट ही दे सकते हैं। और आपको जानकर गर्व महसूस होगा कि नासा में तकरीबन 30% एम्प्लॉयज इंडियन है, यानी कि इंडियंस के लिए इस एस्ट्रोनॉट बनने का सपना ना ही नया है और ना ही मुश्किलों भरा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एस्ट्रोनॉट दो टाइप के होते हैं। पहला, पायलट एस्ट्रोनॉट कमांडर्स। पायलट एस्ट्रोनॉट्स वो होते हैं जो स्पेस शटल को उड़ाते हैं और कमांडर्स उनकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। पायलट एस्ट्रोनॉट्स कमांडर्स को व्हीकल को कंट्रोल और ऑपरेट करने में मदद करते हैं। सैटेलाइट्स को ट्रैक करना इन्हीं का काम होता है। सेकंड, एस्ट्रोनॉट रिसर्चर्स। ये वो एस्ट्रोनॉट होते हैं जिन्हें मिशन स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। ये वो ग्रुप होता है जो नए एक्सपेरिमेंट्स करता है स्पेस में, उन्हें प्लान करता है और नए शटल सिस्टम्स बनाता है जिससे कि हमें स्पेस की ज्यादा जानकारी मिल सके। एस्ट्रोनॉट्स की अलग से ट्रेनिंग होती है जिसमें वो स्पेस शटल का एनवायरमेंट आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है और एस्ट्रोनॉट्स को मिशन के हिसाब से रेडी किया जाता है। ये ट्रेनिंग आसान नहीं, शायद इसलिए कहा जाता है कि एस्ट्रोनॉट वही बन सकते हैं जिनमें पैशन सबसे ज्यादा हो। एस्ट्रोनॉट बनना उन्हीं के लिए सही है जो साइंस और साइंस के एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और हर दिन साइंस को अलग तरह से सर्वे करने की हिम्मत रखते हैं। स्पेस साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। रिस्क लेने का साहस और घंटों एक ही एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट पर ध्यानपूर्वक ध्यान लगाए रखना एक एस्ट्रोनॉट के लिए जरूरी है। स्पेस रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए कई जॉब्स उपलब्ध हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ही एक ऐसी कंट्री है जो एस्ट्रोनॉट को निरंतर स्पेस में भेजती है, इसलिए नासा का हिस्सा बनना सबसे ज्यादा अच्छा है। एस्ट्रोनॉट की सैलरी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर और एक रेगुलर गवर्नमेंट जॉब की तरह सभी एडवांटेजेस भी देती है। नासा के अलावा भी इंडिया में एस्ट्रोनॉट्स के लिए कई ऑप्शंस हैं। इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स में बैचलर डिग्री लेने से आपके करियर की शुरुआत होगी। एस्ट्रोफिजिक्स या फिर एस्ट्रोनॉमी में आप पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉलेजेस से कर सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। उसके बाद आप एस्ट्रोफिजिक्स, जियोफिजिक्स या मेटाफिजिक्स में PhD भी कर सकते हैं। आप इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो में नौकरी ले सकते हैं। इसरो में नौकरी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कोर्स करें तो ही आपके लिए बेहतर है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट www.isro.org पर लॉगिन कर सकते हैं।